तो ये साध संगत भगवान का रूप है, अल्लाह वाहिगुरु राम का रूप है, और आप इस रूप में शामिल होते जाते हैं तो उसी का रूप बन जाते हैं। ये धर्मों का कथन है, हम मान बढ़ाई नहीं देते, पंपिंग नहीं करते। कई कहते पंजाबी जी पंप मारता, नहीं पंप नहीं मार रहे। जो धर्मों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, जो सतगुरु मौला बुलाता है, वो आपकी सेवा में बोलते हैं और 100% सच बोलते हैं, क्योंकि हर धर्म में लिखा है साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मालिक आपको नजर आए ना आए, पर हमें तो आप सब में मालिक बैठा नजर आ रहा है। तो भाई आप यहां पधारे हैं, सभी धर्मों के लोग, मालिक की रंग बिरंगी फुलवाड़ी इस बगिया में सजी है और सज रही है। आप सबका यहां पधारने का तह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्यारी सत्संग जियो, सत्संग शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले बात ख्याल में आई, हम बहुत बार आपको कहते हैं जो सच्चे सतगुरु मुर्शिद से जुड़ा होता है उसकी पीढ़ियां कुलें तर जाती हैं। ये हम आपको बहुत बार कहते हैं, आज आपके सामने प्रत्यक्ष है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मर्दाना जी की बात आपको कितनी बार सुनाया करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो रागी थे, जो साजी थे, और उनके द्वारा गुरु जी ने पता नहीं कितने खेल खेले। मर्दाना जी की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करते, वो गुरु जी ही उनके अंदर भर देते थे कि अब ऐसा कर ताकि नया खेल दिखा सके। अगर उनको भूख लगती थी तो वो भी गुरु जी ही लगाते थे, ये नहीं था कि उनको ही भूख लगती थी। सतगुरु के पास सच्चे दृढ़ विश्वास से कोई रहे, उसे भूख थोड़ी ना लगा करती है। वो तो सतगुरु खेल खेलता है तो सिक्की क्या ताकत, तो वो वैसा खेल खेलते थे। और फिर वो मर्दाना जी के द्वारा कितने जीवों का उद्धार हुआ, चाहे वो कौडा राक्षस रहा, चाहे कोई भी रहा। तो आपको कितनी बार ये कथा सुनाया करते हैं, कितनी बार ये चर्चा सुनाया करते हैं। तो आज उनकी 70वीं पीढ़ी, जिन्होंने आज रागी ने भजन सुनाया, शब्द सुनाया, यहां पे आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी आया नु, परमात्मा मालिक खुशियां बख्शे, क्योंकि सतगुरु ने खुशियां तो बख्श रखी हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो सच्चे गुरु के साथ जुड़ा, देखो हम आपको बोला करते हैं, उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। ये तरी हुई पीढ़ियां हैं जो यहां पहुंची हैं, कैसे जुड़ी उनके साथ और कैसे अब जुड़ी हुई हैं और कैसे आज वही सच्चा सौदा में ये पधारे हैं या इनके पिताजी पधारे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। कई संगत पूछती है जी पीढ़ियां कैसे तरती हैं, ऐसे तरती हैं सच्चे सतगुरु का संग करके। किस सन में मर्दाना जी हुए श्री गुरु नानक देव जी के मुरीद, और आज देखिए वो राम नाम की लौ वैसे ही चल रही है और वैसे ही ये पीढ़ियां साथ साथ चले जा रही हैं। ये होता है पीढ़ियों का तरना, कुलों का उद्धार। ऐसे आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियां तरनी है। आपको कहा है कलयुग में सतगुरु का कोई सच्चे का संग कर ले तो सैकड़ों क्या हजारों पीढ़ियां तर जाती हैं, ये तर रही हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। रही बात हमारी, हम तो आपके खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आवाज देते रहते हैं, करने वाला मेरा सतगुरु मौला अल्लाह राम वाहिगुरु है। हम तो आपके चौकीदार सेवादार हैं। ऊंचे बैठने के दो वजह है, क्योंकि हम विज्ञान को पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, थोड़ा पढ़ पाए, गुरु जी ने बुलाया, लेकिन जितना पढ़ पाए, विज्ञान में बहुत रुचि रहती थी। तो विज्ञान में यह माना जाता है, मनोविज्ञान में, कि बोलने वाला जब तक सुनने वाले को दिखे ना, सुनने वाले को मजा नहीं आता, वो ध्यान से बैठते नहीं, ढंग से चुप नहीं होते, इसलिए ऊंचे बैठे हैं। ये तो है विज्ञान की बात। और रही हमारे महाविज्ञान धर्मों की बात, तो धर्मों में लिखा है घोर कलयुग में जो जीव सत्संग सुनने आएंगे वो देवी देवताओं से भी बड़के होंगे, उनमें सतगुरु मालिक अल्लाह राम विराजमान होंगे। तो आप इतनी दूर दराज से चल के आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए ऊंचे बैठे हैं, और कोई हमारी कोई मंशा नहीं, हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। अरे माइक को क्या अहंकार होगा, ये जो माइक है इसको क्या अहंकार होगा, ये तो बेचारा चुप है, इधर को कर दिया क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, इधर कर दिया तो बोल रहा है। सत्संग जी इशारा काफी है, अगर सतगुरु मौला बुलाता है हम तो माइक हैं, माइक वो राम जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो, हम तो एक माइक हैं,
वो सदगुरु मौला आवाज देता है तो हम बोल लेते हैं, वरना कुछ भी नहीं। कोई ज्ञानवान नहीं, कोई विद्वान नहीं, वो सब कुछ जानता है। वो दया का सागर है, रहमो करम का मालिक है। सो प्यारी सत्संग जियों, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई क्वेश्चन, आप कोई ऐसा सवालात पूछना चाहते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप लिख के भेज दीजिए। दो लाइनें लिख दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए, तो वो आपको बोला जैसी मैं आवे खसम की वाणी, जैसा ख्याल देंगे मालिक वैसा आपकी सेवा में जवाब दे देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, वो सदगुरु मौला सबको जानी जान है। तो आप सब का स्वागत है, जो मर्जी लिख के भेज दीजिए। क्योंकि आदमी से जब आप पूछते हो, अरे अनाड़ी किसी को पार नहीं लगा सकता, अगर कोई कोच है उसकी देख रेख में अगर आप तैराकी सीखोगे तो बड़े बड़े समुन्द्र पार कर जाओगे, और अगर किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ गए तो छोटी सी झील में भी डूब जाओगे। कहने का मतलब, आप आदमी से शंका दूर क्यों करते हैं? गुरु बैठा ही इसलिए होता है, फकीर बैठा ही इसलिए होता है कि हर किसी की शंका दूर कर सके। आप में कोई भी शंका है, मन में कोई भी शक शुबा है, चाहे हमारे लिए है, दुनिया के लिए है, अपने जीवन के लिए है, आप लिख के भेज दीजिए, ताकि यहां से जवाब लो, अरे भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई पार नहीं होता, और गऊ की पूंछ पकड़े तो पार हुआ जाता है, और पीर फकीर तो मालिक की कृपा से बताते हैं। सो आपका कोई सवाल है, बजाय किसी आदमी से डिस्कस करने के, आप सोचो ये 50 साल पुराना है, वे 20 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, इसको ज्ञान ज्यादा होगा, ये कोई पता नहीं। गूंगे भी ज्यादा ज्ञान जानते हैं जब सदगुरु चाहे तो, पिंगले भी पहाड़ चढ़ जाते हैं अगर मालिक चाहे तो। तो उस मालिक की रहमत से यहां पता नहीं कितने गूंगे बोलने लगे और कितने अंधे देखने लगे हैं, ये उसका रहमो करम। हमारी मान बढ़ाई नहीं है, कोई वैसे ही नहीं आता इस कलयुग में, मालिक उन्हें दूसरे रंग भी दिखाता है। उनके काम धंधे चलते हैं, जिनके पास साइकिल था आज हवा में उड़ा रहे, ये उसका रहमो करम है। जो उसके वचनों पे चलता है उसी का बेड़ा पार है, बाकी सारा संसार बीमार है, बीमार है, बीमार है, सिर्फ उसके नाम से ही बेड़ा पार है। तो भाई आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे, आपका कोई सवालात, आपकी कोई बात है, कोई शक है, अपना ही नाम लिख दिया करो, दूसरा का ना लिखो तो अच्छा है। हमने कौन सा लाठी मारनी है, हमने तो जवाब देना है, चाहे आप फन्ने खां हैं या नन्ने खां हैं, जो मर्जी है आप जवाब ले लीजिए। आपको जच गया तो ठीक, नहीं जचता तो ठीक, हमारा तो फर्ज है आपकी सेवा में अर्ज करना। आप हमारी अर्ज मान लो तो भला, ना मानो हमने तो सबका भला ही मांगना है। पर ख्याल ये रखना है, कहीं ये ना हो कि आप न मान के अपने बेड़ी में बट्टे डाल लो। हमें ये दुख नहीं होता कि आप हमारी बात नहीं मानते, हमें ये दुख होता है कि जो मालिक अल्लाह राम हमसे अपने वचन करवाते हैं आप वो नहीं मानते, तो आने वाले समय में भयानक दुख आपको झेलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, मान लो तो फिर जो गति अच्छे में होती है वो कहने सुनने से परे है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी खुशियां मालिक घर बैठे ही बख्श देते हैं। सो भाई आपसे गुजारिश कि आप अमल करना, और सवाल जरूर भेजो, जवाब भी ले लो, लेकिन उस पर चलना सीखो।